प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, परम आदरणीय प्राचार्यगण, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, अधिकारी मित्रगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले दो महीने में हमारी जो नई टीम आपकी निर्देश में बनी है, उस दो महीने में हमारा यह अनुभव आया और उसमें से आपने एक बड़ा संदेश देश को दिया है। ये तीसरे कार्यक्रम आप निरंतर शिक्षा विभाग में स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए, ये सिर्फ मार्गदर्शन नहीं है, ये प्रमाणित करती है देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की आत्मा के ऊपर आपकी लगाव कितना है, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है और आपकी कल्पना क्या है देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आज एक दो विषय ऐसे उल्लेख करना चाहूंगा, मैं इससे जुड़े हुए तमाम लाखों विद्यार्थी, लाखों अभिभावक और लाखों प्राचार्य और शिक्षक गण के सामने ये कहना चाहूंगा। अभी अभी एक सर्वेक्षण में विश्व जब एक नई चुनौती में गुजर रहा है, पैंडेमिक के कारण विद्यालय, महाविद्यालय दुनिया भर में एक क्रॉस रोड में खड़ा हुआ है, उसी समय में हमारी देश को नेतृत्व आप कर रहे हैं और आपकी स्वीकृति ना केवल देश के अंदर आज विश्वास की केंद्र बना है, विश्व के अंदर आप सबसे भरोसा और लोकप्रिय नेता करके आप आगे आए हैं, इमर्ज किए हैं, विश्व की कम्युनिटी आप पे भरोसा रखा है। वैसे ही हमारे देश के लिए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे लिए और एक गौरव की क्षण ठीक एक महीने के बाद आएगा। शायद आजाद भारत में आप पहला जननेता होंगे जिनको देश की जनता ने निरंतर 20 साल तक, शायद ये सौभाग्य इस प्रजातंत्र में देश की जनता आप ही के भरोसे पे दिया है, 20 साल तक एक सरकार की मुख्य के रूप में, राज्य हो या देश हो, और उसमें से शिक्षा के ऊपर आपने जो प्राथमिकता दिया है, ये 20 साल उसकी साक्षी है। आज के शिक्षक पर्व जो आपकी कल्पना है, हम सालों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आए हैं, लेकिन पैंडेमिक के अंदर पिछले साल आपने मार्गदर्शन किया, ये शिक्षक दिवस केवल सीमित ना रखा जाए, इसको एक पर्व के रूप में, इसमें से हमारी शिक्षा के प्रति हमारी रुचि, हमारी कमिटमेंट और हमारी योजनाएं बताने के लिए एक अवसर है। और जब 3 दशक के बाद आपकी निर्देश पे, आपकी नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और शिक्षा नीति को जब कभी हम समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी केंद्र में शिक्षक है, केंद्र में टीचर है, केंद्र में प्रोफेसर है, और आप तो स्वयं परीक्षा पे चर्चा इस प्रकार की एक नया आयाम करके देश के विद्यार्थियों की शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक बने हैं। उसी पृष्ठभूमि में आज शिक्षा विभाग ने आने वाले 10 दिन तक अनेक सृजन, अनेक रचना, आजादी के अमृत महोत्सव, देश की आने वाले 25 साल की प्रवास, नया भारत बनाने की आपकी प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए शिक्षक समुदाय को, इस परंपरा में शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको आपकी दर्शन के साथ जोड़ने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है। आज आपकी अनुमति से 5 ऐसे आयाम को आज हम लोकार्पित करेंगे आपके हाथ में, जो देश की शिक्षा जगत के लिए एक नया उपक्रम होगा। मैं पुनः आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभवों को आभार प्रकट करता हूं और सबको स्वागत करता हूं और आपको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विनती कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम की जो 5 मुख्य इनिशिएटिव है उसको आप बटन दबा के लोकार्पित करें देश को।
बड़े और दूरगामी लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय की नई मशाल लेकर बिना थके बिना रुके अनवरत चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में शुरू हुई नई शिक्षा नीति पिछले एक साल में अपनी विभिन्न पहलों द्वारा शिक्षा और सीखने का बदल रही है स्वरूप। आज इसी श्रृंखला में इससे जुड़ने जा रही हैं पांच और महत्वपूर्ण पहल। डीपीडब्ल्यूडी के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा छात्रों के भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 10,000 शब्द किए गए हैं विकसित। इसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग UDL के अनुरूप ISL स्पीच और टेक्स्ट तीनों का समावेश कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इससे लाभान्वित होंगे श्रवण बाधित शिक्षक समेत 13,00,000 विद्यार्थी एवं विषय के रूप में पढ़ाने और सीखने में भी मिलेगी मदद। नई शिक्षा नीति में नेत्रहीन छात्रों के लिए सभी NCERT के पाठ्य पुस्तकों के EPUB संस्करण को टेक्स्ट टू स्पीच के बनाया गया है अनुकूल। इसके अलावा NCERT ने 2000 पाठों पर आधारित ऑडियो भी किए हैं विकसित। ये सभी सामग्री NCERT की वेबसाइट ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी मौजूद है। ये 25,00,000 दिव्यांग छात्रों विशेष रूप से दृष्टि बाधित छात्रों की पढ़ाई के लिए वरदान सिद्ध होगी। NCERT द्वारा शिक्षकों के फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN के लिए खेल गीत शिल्प एक्टिविटी और खिलौने आधारित सीखने की प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कोर्स किया गया है विकसित। निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किया जाएगा आयोजित। ये क्षेत्रीय भाषा में भी है उपलब्ध। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 25,00,000 शिक्षक और प्रधान शिक्षक होंगे लाभान्वित और उनके शिक्षण कौशल में भी होगी वृद्धि। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई भी सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारी गृहिणी और कोई अन्य साक्षर व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है योगदान। नई शिक्षा नीति के अनुसार CBSE केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग अथॉरिटी SSA के रूप में कार्य करेगा। CBSE ने स्कूलों के कामकाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक SQAA ढांचा किया है तैयार जो सेल्फ डिस्क्लोजर आधारित है और पब्लिक डोमेन में रहेगा। 25,606 स्कूल लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10,00,000 शिक्षक इसमें शामिल है। नई शिक्षा नीति उस भारत की नींव रखेगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आसमान छूने के ख्वाब नहीं देखेगी बल्कि वो अपना आसमान खुद बनाएगी और उसमें सितारों की तरह जगमगाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के इन नवीन पहलुओं की कर रहे हैं शुरुआत। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। आज विद्यांजलि 2.0 निष्ठा 3.0 टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAA ऐप जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है
कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें।